हिसार में जिस एमएलएम कंपनी में हजारों लोगों की गाढ़ी कमाई फंसी हुई है, उस फ्यूचर मेकर कंपनी के सीएमडी राधेश्याम के पैसे लूटने की कुछ लोगों ने योजना बनाई। अपनी योजना के तहत उन्होंने सीएमडी राधेश्याम के दो ड्राइवर सहित तीन भाइयों का अपहरण कर लिया। अपहरण करके उनसे 50 लाख रुपये की फिरौती मांगी गई, लेकिन पुलिस की त्वरित कार्रवाई के कारण अपहरणकर्ता पकड़े गए और उनके चुंगल से तीनों पीड़ितों को छुड़ा लिया गया। कुल 4 अपहरणकर्ताओं में से 3 को गिरफ्तार कर लिया गया है और अपहरण में आरोपियों का साथ देने वाले उत्तर प्रदेश के 5 मजदूरों को भी गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के अनुसार थाना अग्रोहा में लांधड़ी निवासी सुरेंद्र ने पुलिस को शिकायत दी कि उसका बहनोई सीसवाल निवासी महेंद्र रविवार सुबह 11 बजे हिसार गया था। शाम को महेंद्र के फ़ोन से सुरेंद्र के फ़ोन पर कॉल आई कि उसका किडनैप हो गया है और उसे छोड़ने के एवज में 50 लाख रुपए की फिरौती मांग रहे हैं। डीआईजी बलवान सिंह राणा ने जानकारी देते हुए बताया कि थाना अग्रोहा में लांधड़ी निवासी सुरेंद्र ने शिकायत दी कि उसके बहनोई सीसवाल निवासी महेंद्र सुबह 11 बजे हिसार गए थे। सुरेंद्र के फ़ोन पर उसके बहनोई से अपहरणकर्ताओं ने 50 लाख रुपये की मांग की है। डीआईजी ने बताया कि महेंद्र के भाई मिट्ठू और प्रदीप फ्यूचर मेकर कंपनी के सीएमडी राधेश्याम के ड्राइवर थे, इसलिए अपहरणकर्ताओं को लगा कि इनके पास सीएमडी का पैसा हो सकता है। कल की एक घटना अग्रवा थाने के अंदर लांधड़ी गांव के महेंद्र सिंह जी हैं और उसके दो भाई हैं, 3 लोगों का अपहरण हो गया। महेंद्र के जो साले हैं सुरेंद्र जी, उन्होंने SHO प्रोफेशनल DSP अग्रवा इनको सूचना दी और इन्होंने आगे सूचना को आयर ऑफिसर्स को हमें इन्फॉर्म किया, DSP साहब को इन्फॉर्म किया। तो हमारी AVT की जो टीम थी महेंद्र के नेतृत्व के अंदर वो तैयार हुई और साथ के साथ साइबर सेल और DSP मनु और साथ में SHO, और इन लोगों ने 1.5 घंटे की दौरान ही अपहृत 3 व्यक्ति कहाँ पर अपहृत करके रखे हुए हैं वो उनको सकुशल छुटवा लिया। और मेन जो अक्यूज जो था संदीप इंस्ट्रूमेंट था जो उनको अपहरण करने में, उसको भी रिहा करवा लिया। इसके पीछे स्टोरी बड़ी इंटरेस्टेड है, वो ये कि 2 बंदे जो अपहृत हुए थे मिट्टू और विनोद, ये राधेश्याम जी हैं CMD जो जेल के अंदर हैं फॉर्चून में करके, तो उनके ड्राइवर रहे हैं। इन लोगों को ये गलत सूचना कहीं से मिल गई कि हो सकता है उनके कुछ पैसे वगैरह उनके पास में रखे हों, तो उन्होंने इजी अर्निंग मनी का एक जो है ना वो एक प्लानिंग जो है वो बनाई। और प्लानिंग जब जो बनाई है तो उसमें से 2 अक्यूज जो हैं संदीप के साथ जो लोग थे, एक समन के हैं, समन पुठी मैम के अंदर है और दूसरा मुंडाल के हैं, 2 सीसवाल के हैं। तो ये बाहर के लोग भी हैं, इन्होंने इनकी प्लानिंग वगैरह जो है ना पहले से इनके दिमाग में थ्योरी थी और उन्होंने इसको करके और लोगों को बुलवाया, पहले महेंद्र को बुलवाया, महेंद्र के फ़ोन से ही फ़ोन करके उसके 2 भाइयों को बाद में बुलवाया और बहाने सर लेके गए उनको, क्योंकि जानते थे एक दूसरे को कि आज़ाद नगर के अंदर कोई गाड़ी देखनी है सेकेंड हैंड, वो हम खरीदेंगे। उनके साथ में गए और उनको एक को महेंद्र को पहले ले गए मकान के अंदर बंद कर दिया और बाद में उसके दोनों भाइयों को ले जा करके भी मकान के अंदर उनको बांध दिया रस्सों से। और 5 आदमी जो लखीमपुर के थे, जो उनके कॉन्टैक्ट में थे, काम करते थे, उन लोगों को उनकी रखवाली के लिए वहाँ पे छोड़ दिया। फ़ोन महेंद्र का अपर जो महेंद्र था उसी के फ़ोन से कॉल करके 50 लाख की फिरौती मांगी गई और सेक्टर 13 पहुँचने की बात कही गई। तो वहाँ हमारी साइबर की जो टीम थी, वो हमारी SI की जो टीम थी, इन्होंने ट्रैप लगाया और वहाँ पहुँच करके रेड हैंडेड संदीप को पकड़ कर उन लोगों को कर लिया सकुशल बरामद। और बाकी ये 4 जो मुलजिम जो थे प्लस 5, उनमें से एक आदमी सुरेंद्र नाम का आदमी जो है ना वो बचा हुआ है, बाकी 3 और लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। 8 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है और उन लोगों को सकुशल जो है बरामद किया जा चुका है। तो ये एक ऐसी एक जघन्य घटना थी, क्योंकि अपहरण करने वाले और अपहर्त जो हुए हैं वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं। अगर पैसा मिलता तो भी वो उनको सामने नहीं आने दे सकते थे, एप्रीहेंशन थी।
और पैसा ना भी मिलता तो भी उनको सामने नहीं आने दे सकते थे। तो बहुत बड़ा जघन्य कांड होने वाला था, हो सकता था इन लोगों की साथ बहुत बड़ी कोई घटना हो जाती, इनकी हत्या भी कर दी जाती। तो वो पुलिस की तत्परता की वजह से और प्रॉम्प्टनेस जो हमारी टीमों की रही है, हमारे दोनों DSP ने स्वयं फील्ड में उतर करके उसको सुपरवाइज किया है, हमारी साइबर की और CIA की टीम की तत्परता की वजह से 3 निर्दोष जो व्यक्ति हैं वो टाइमली बचाए जा सके हैं।